इनर वॉइस को ना डिफाइन करना है ना कुछ करना है, बस ये देख लेना है कि एक वॉइस ही है। जैसे इतनी सारी वॉइसेस है ना, जब से पैदा हुए वॉइसेस ही सुन रहे हैं, उसी से इकट्ठा हुआ है, उसी से मन बन गया है। तो ऐसे ही देख लेना है कि जैसे इतनी सारी वॉइसेस हैं इधर उधर हल्ला हल्ला करती रहती हैं, उसी में से एक वॉइस को मैं इनर वॉइस बोल देता हूँ। वो इनर वॉइस ही बदलती रहती है, या हमेशा एक ही बात बोलती है, बदलती रहती है ना। कभी देखा है वो भाषा भी कौन सी बोलती है? जो हमें समझ में आती है बंगाली बोलती है कभी तुम्हारी? नहीं। तो जैसे इधर उधर की तमाम वॉइसेस हैं शोर, वैसे ये एक भीतर से भी है शोर। उसको किसी भी तरीके की कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी सब तो बाहर है, ये अंदर घुस के बैठ गई है। जैसे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ही घर में घुस के बैठ गया हो। शोर जब बाहर ही होता है तो हम कह देते हैं कि शोर, और जब भीतर होता है तो हम कह देते हैं अंतरात्मा की आवाज़, माई कॉन्शियंस इज स्पीकिंग। साइलेंस, साइलेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉइसेस एंड साइलेंस फ्रॉम दिस इनर वॉइस। गॉड हैज़ नो वॉइस, ही डजेंट टॉक टू यू थ्रू एनी लैंग्वेज। व्हेन देर इज कंप्लीट एंड क्लियर साइलेंस, देन वर्डलेसली, लैंग्वेजलेसली, देर इज अ वननेस। नॉट इवन कम्युनिकेशन, जस्ट वननेस। ऑल दीज स्टोरीज दैट गॉड केम इन ड्रीम्स एंड देन गॉड गेव दिस इंस्ट्रक्शन एंड देन देर वॉज अ किंग वॉज स्लीपिंग एंड लॉर्ड शिवा केम एंड सेड, यू नो, ऑन दैट हिल टॉप यू बिल्ट माई टेम्पल। ऑल दिस इज रबिश एंड मस्ट बी ओपनली डिक्लेयर्ड टू बी रबिश। गॉड डजेंट कम इन ड्रीम्स, गॉड डजेंट टॉक एनी लैंग्वेज, गॉड हैज नो फैसिनेशन फॉर संस्कृत और हिब्रू और अरेबिक। गॉड इज नॉट सिटिंग एनी वेयर, गॉड इज नॉट रनिंग एनी वेयर, गॉड हैज नो रीजन टू क्रिएट एनी थिंग। एंड गॉड इज ऑल्सो नॉट बिजी विथ हेल्पिंग और डिजॉल्विंग। इफ यू कैन कीप ऑल योर कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड अवे, देन यू हैव अ ब्यूटिफुल एम्प्टीनेस। इफ यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट गॉड। बट फर्स्ट कीप गॉड अवे। द मोस्ट गॉडलेस पीपल दैट वी हैव आर द वंस हु हैव टू मच ऑफ गॉड, फुल ऑफ गॉड।